बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम शाशलिक पकोड़े बना रहे हैं और ये रमज़ान की रेसिपी है। बहुत डिफरेंट एक रेसिपी है, बहुत मैंने अभी ट्राई किए हैं तो मुझे तो बहुत पसंद आए हैं और उनकी शक्ल देखने में भी खूबसूरत और खाने में भी बहुत मज़े के। तो जब आप रेसिपी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बनाने में तो बहुत सिंपल है लेकिन एक देखने में वैरायटी भी एक डिफरेंट लगेगी और खाने वाले को जायका भी अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं। एक कप मैंने बेसन लिया है, 2 खाने के चम्मच के करीब तकरीबन मैंने हरा धनिया लिया है, 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने लाल मिर्च ली है और नमक मैंने अपने हिसाब से लिया है तकरीबन 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। और इसके अलावा जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी उसमें 1 अदद आलू है, 1 प्याज है और बैंगन मैंने ज़्यादा लिए हैं और हरी मिर्च भी मैंने कुछ ली हैं। तो तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बेसन घोल के बता देती हूँ। फिर ये जो आपको नज़र आ रही है ये शाशलिक स्टिक्स मर रही हैं, बेसन, ये तमाम चीज़ें सारे पासे तेरा ध्यान होना है उसमें कोई चीज़ आए नहीं जाती। जब कैमरा ऑफ होना मैं साफ कर ली सी प्लेट अच्छा चलें फिर अब इसको जो है ना पानी में घोल के इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, जैसे हम दही बड़ों का तैयार करते हैं वैसा नहीं। बेसन को मैंने तैयार कर लिया है, ये देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ प्याज को किस तरह कट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इस तरह कट करने के बाद आपने इसका उतारते हैं छिलका। अच्छा, अब हमने आपको बताना है आलू किस तरह काटना है। इसमें आलू को इस तरह करके आलू को थोड़ा बारीक काटना है। ये साइज देख रहे हैं आप इस तरह, ठीक है। और प्याज को हमने सिर्फ इस तरह निकालना है। ये तो खैर बड़ा है, ये देखें इस तरह, इसको अलहदा से निकाल लेना है। बैंगन को भी ज़्यादा मोटा मोटा नहीं काटना। ये देखिए अब हमने सारी सब्जियों की कटिंग कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह इसको स्टिक्स में लगाना है। सबसे पहले हमने प्याज को लगाना है, फिर हरी मिर्च, फिर आलू, इसके बाद फिर हरी मिर्च, यानी कि हर सब्ज़ी के बाद हमने हरी मिर्च लगानी ताकि उसका टेस्ट आए ना। ये देखिए लास्ट में हम इसको प्याज से, और अब प्याज हम इस तरह लगाएंगे देखिए, और प्रेशर दे के इसको बंद करना है ताकि ये आराम से बन जाए और ना खुले। जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना फिर ये, क्योंकि हमने थोड़ा मीडियम फ्लेम पर पकाना है वरना ये जल जाएंगे। और बेसन मैंने आपको बताया ना गाढ़ा नहीं होना चाहिए वरना फिर सारी शेप ही छुप जाएगी शाशलिक की, बहुत गाढ़ा होगा तो। तकरीबन 2 मिनट हो गए मुझे फ्राई करते हुए, ये पकोड़े बन गए हैं शाशलिक पकोड़े। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। अच्छा ये देखें शाशलिक पकोड़े तैयार हो गए हैं और अब आपने बनाने हैं। रमज़ान से पहले ट्राई करके देख लें तो आपको टेस्ट में भी पता चल जाएगा, फिर आपको आसानी हो जाएगी, एक रेसिपी आपको याद हो जाएगी तो आप इजीली बना सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। उसमें तुम खुद बताओ कितनी जल्दी बनी है ना माशाल्लाह से। तो ये कि आप ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हूँ मैं पंजाबी दागा कि मैं ना एक बैंगन सी, एक आलू सी, एक प्याज सी, बल्कि प्याज अगर कट पै गया मैं एक और भी लिया सी, तो हरिया मिर्च ऐसा ही 8-10 सन, तो सब दिया कटिंग करके ना तो उन्होंने शाशलिक स्टिक नो हाफ कर लेते हैं। उन्होंने मैं स्टिक्स के नाल सारा परो के बेसन मैं तुम्हें पता तैयार कर लिया सी, तकरीबन 1 कप सारा बेसन लैके उस मैं नमक मिर्च सुखा धनिया जीरा पा के उन्होंने तैयार कर लिया। बैटर थोड़ा पतला रखना है क्योंकि अगर बैटर बिल्कुल मोटा रखोगे तो सारे पकौड़े के बजाय रोल बन तो यानी मोटी कोटिंग हो जाएगी कि तो रोल लगेगा, ए खूबसूरती है जी। तो
एयर नज़र नहीं जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल करना। तो तुहानू रेसिपी कैसी लगी अपने कमेंट्स के जरूर दसना और अपनी दुआ जो याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।